हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। विजयलक्ष्मी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ग्रेवी वाली एग कड़ी, कैसे बनाएं घर पे एकदम होटल जैसे। तो गाइस, आप लोगों के लिए हमने घर पे ही बनाने के लिए सोचा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कड़ी बनाने के लिए गाइस हमने लिए है ये 7 उबले हुए अंडे, जिसको हमने छील लिया है। अब इसको हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं ताकि फ्राई करते वक्त फटे ना और तेल ना छिटके। इस तरीके से सारे अंडे को कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए सारे को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। उससे पहले हम बता दें एक कड़ी में क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये 2 प्याज है, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी धनिया है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारे मसाले हैं, ये धनिया जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है आधा छोटा चम्मच, ये 2 चम्मच है, ये हल्दी है छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच, ये खड़ा मसाला है जिसे मीट मसाला कहते हैं, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है 1 चम्मच है। और ये लाल कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, इसको भी हम ऐड करेंगे। उसके लिए अब हम पहले फ्राई कर लेते हैं अंडे को। उसके लिए गैस हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें सरसों ऑयल डालेंगे, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हैं। अब हम इसमें फ्राई करेंगे। इस तरीके से सारे अंडे को, और हम इसे ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धीमी आंच में इसको तल लेंगे। इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। गैस की आंच को लो टू मीडियम पे ही रखें। इस तरीके से पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से कट करेंगे तो अंडे फटने का डर नहीं होता है। देखिए हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब तड़के के लिए गाइस हमने फिर से तेल डाला है, सरसों का तेल ही डाला है। अब उसके बाद हम ऐड करेंगे ये 2 तेजपात, 3 से 4 लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च। अब हम ऐड करेंगे ये प्याज, हमने प्याज ऐड कर दिया है। अब हम साथ में ही टमाटर भी ऐड कर देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चा पानी दूर हो जाए, पक जाए अच्छी तरीके से हमारा। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे गैस बीच बीच में। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कटोरी ये जो हमारा दही है। ये होटल जैसे एक कड़ी बना रहे हैं गैस, तो इसमें दही डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होटलों में दही भी डाला जाता है। कैसे इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। अब आंच गैस की आंच को थोड़ा हाई कर लेते हैं।
इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं गाइस, ताकि जैसे हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून जाएं। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और साथ ही में नमक भी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। और अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तीन से चार मिनट तक इसे मसाले को भी अच्छी तरीके से धीमी आंच में भूनेंगे, ढक के रख देते हैं इसको गैस। बीच बीच में इस मसाले को चलाते रहेंगे गैस। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। दो मिनट और मसाले को ढककर भून लेते हैं। ये देखिए मसाले अभी ढक के भुने हुए थे, कितना अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुना चुका है। इसी तरीके से हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए चलाते हुए थोड़ा और भून लेंगे मसाले को। उसके बाद गाइस अब हम इसमें अंडे को ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, बस इसे पकने के लिए गाइस, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। धीमी आंच पर पकाएंगे इसे। ये देखिए थोड़ी सी पानी और ऐड कर देते हैं और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट इसे पकने देते हैं ढक के। एक बार हम चला के इसे हटा के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी एक कड़ी बिल्कुल होटल जैसी ग्रेवी वाली, घर पे ही बहुत ही लाजवाब बनी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा घरों में। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना हुआ है, स्वाद तो पूछिए मत, स्वाद तो बहुत ही टेस्टी आएगा। आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे तो ज़रूर कहेंगे हाँ वाकई में टेस्टी है। इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमारा अंडा हो चुका है। अब हम आप लोगों को इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारी एक कड़ी ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए गाइस हमारी ग्रेवी वाली एक कड़ी एकदम बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग बताइए, बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने तो बनाया, हमें तो बहुत ही टेस्टी लगा है। और होटलों में जैसे बनता है इस प्रकार से ग्रेवी बना के हर सब चीज़ को ग्राइंड करके, टमाटर प्याज को ग्राइंड करके और दही वही डाल के बनता है, वैसे ही हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर किया है ग्रेवी वाली अंडा कढ़ी। आप बताइए गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ ये हमारी एक कढ़ी की ग्रेवी वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।